नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनूबाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कुकिंग विद रेनूबाला में। तो आज हम सर्दियों के लिए एक बहुत ही बलशाली, दिलो दिमाग बॉडी को बल प्रदान करने वाला, दिमाग को तेज़ करने वाला हलवा बनाने जा रहे हैं। खसखस और बादाम का हलवा, ये न्यूली मदर्स के लिए भी बहुत गुणकारी है। तो आए देखें किस प्रकार क्या क्या इन्ग्रीडियंट चाहिए। जे हमने 75 ग्राम 75 ग्राम्स खसखस लेनी है, पॉपी सीड्स। इसका मैंने क्या किया है, ये ब्रा देखिए, जो साइड पे लगे ना, ये बारीक बारीक दाने रहती हैं और इसमें धूल मिट्टी भी रहती है। तो आपको क्या करना है, ये खसखस लेके 10-15 मिनट पानी में भिगो दीजिए। फिर जो चाय छानने वाली छलनी होती है, जब मैदा छानने वाली, आटा छानने वाली, बारीक, क्योंकि दाने बहुत बारीक रहते हैं, आपने देखे होंगे, तो वो पानी निचोड़ दीजिए, क्योंकि इम्प्योरिटी नीचे बैठ जाएगी ना। तो ऐसे हलाते हलाते, ऐसे ऐसे हलाते हलाते ना, वो छल्ली में निकाल लीजिए 10-15 मिनट बाद। तो फिर इसमें 100 ग्राम दूध मिलाकर रख दीजिए। जो मैंने 100 ग्राम दूध डालकर ही रखा हुआ है, 7-8 घंटे भिगो दीजिए। अगर ज़्यादा भी भीग जाती है तो कोई बात नहीं, हमने पेस्ट ही बनाना है। 75 ग्राम खसखस ली, 100 ml दूध में भिगो दी 7-8 घंटे। और जे 50 ग्राम बादाम है, तो टोटल हमारा 125 ग्राम हो गया मटेरियल। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है मीठा करने के लिए हमें क्या चाहिए। या तो आप 75 से 100 ग्राम लेकर मिश्री ले लीजिए, बड़ी धागे वाली, या क्या ले ले चीनी, दोनों में से एक चीज़ लेनी है। मैंने दोनों ही दिखा दी, जो तो हम बराबर का मीठा डालते हैं। कई लोग ज़्यादा मीठा बनते हैं, तो आप 100 ग्राम भी ले सकते हैं। 75 ग्राम जितनी खसखस है उतना ही हमको घी चाहिए, और ये 4-5 छोटी इलायची चाहिए। ये तो 100 ml अलग दूध था, ये टोटल जैसे 125 ग्राम बन गया ना बादाम और खसखस, तो इसको 4 गुना दूध डलता है इस हलवे में, यानी कि 500 ml। ये मैंने गाढ़ा फुल फैट वाला दूध लेना है, जितना गाढ़ा दूध लेंगे उतना ही बढ़िया आपका हलवा बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो मैंने खसखस भिगो कर रखी थी और बादाम, उन दोनों को डालकर मैं पेस्ट बना लूँगी। बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना होता है आपको, तभी आपका हलवा टेस्टी बनेगा और अच्छा भी बनेगा। ये दाने भी हम बीच में डाल लेंगे, ये दाने बहुत हाथों से भी चिपकते रहते हैं और डालने मुश्किल होते हैं, बहुत बारीक रहते हैं। जब धोएं बर्तन, मतलब के सावधानी पूर्वक छल्ली में डालकर ही धोएं, जो चाय छालनी होती है, जब मैदा छालने वाली, ताकि जो इम्प्योरिटीज़ है, कंकर पत्थर मिट्टी धूल होती है, वो निकल जाए। इस प्रकार से हमको बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है। देखते हैं बना कि नहीं, नहीं अभी बना नहीं है, थोड़ा और मिक्सी को चलाएंगे और फाइन पेस्ट होने तक इसे ग्राइंड करेंगे। हमने बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लिया है, इसमें बिल्कुल भी दाना नहीं रहना चाहिए। खैर, ऐसे आप हाथ से छूकर देख लें तो उसका कोई फायदा ही नहीं होगा। तो अब मैं एक बात बता दूं, जैसे हमारे दो बर्नर रहते हैं, एक बड़े वाला एक छोटे वाला, तो हमने छोटे बर्नर पर ही इसे भूनना है। जब भी आप कोई हलवा बनाएं तो उसे कम आंच पर ही हमेशा भूनें। उससे क्या होता है, वो एक तो नीचे नहीं लगता, उसकी पौष्टिकता बरकरार रहती है और टेस्ट भी बरकरार रहता है, टेक्स्चर भी बरकरार रहता है। तो आओ अब हम कढ़ाई को गर्म करती हैं और फिर इसमें घी डालते हैं। हमारी गर्म हो गई है, अब मैं इसमें सारा पूरे का पूरा घी ही मिला दूंगी, क्योंकि मैं अक्सर इसे बनाती रही हूं, तो मेरे को मालूम है कि इतना घी इसमें लग जाता है। तो अब हम घी को करेंगे मेल्ट, और जो हमारे पास इलायचियां हैं उसको भी मैं दाने निकाल कर थोड़ा खलबट्टे में कूट लूंगी। तो अब मैं क्या करूँगी, पहले सबसे घी के मेल्ट होने पर जो हमने फाइन पेस्ट बनाकर रखा है उसे कढ़ाही में डाल देंगे। पहले घी को मेल्ट होने देते हैं। आप जब भी घी लें तो शुद्ध देसी घी का ही प्रयोग करें, क्योंकि ये एक प्रकार का हलवा ही नहीं है, औषधियों गुणों से भरपूर, स्नायु तंत्र को ताकत देने वाला, बल देने वाला एक प्रकार का औषधि भी है।
तो हो सके चीनी की जगह आप मिश्री का भी प्रयोग कीजिए, उससे इसकी पौष्टिकता भी बढ़ जाएगी और गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी। जो मैंने पेस्ट बनाया ना, मैं हौली हौली धीरे धीरे गैस को भी थोड़ा स्लो कर दूंगी ताकि हमारा जो घी है वो बाहर ना आ जाए, तो फिर हम थोड़ा इसकी आंच को बढ़ा लेंगे। अब मैंने बिल्कुल ही सिंपल कर दिया है और सारा पेस्ट इसमें मिलाकर कम आंच पर लगभग 8-9 मिनट भूनूंगी, पहले बिल्कुल कम आंच पर, ताकि जो हमारा पेस्ट है ऐसे लगातार हिलाना होता है, आपको एक मिनट के लिए भी नहीं इसे छोड़ना होता, नहीं तो आपका जो मतलब ये पेस्ट है ना वो नीचे भी लग जाएगा। बिल्कुल कम आंच पर आपको लगातार हिलाते चलाते हुए इसे भूनना है। ये काफ़ी मतलब ब्लेड्स के नीचे आ गए, मैं सारा इसमें डालकर भूनूंगी, बस ऐसा ही प्रोसेस करूंगी और कुछ नहीं करूंगी, लगातार हिलाती रहूंगी, इसे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना है। तो जो हमारा घी आपको दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल सारा अब्जॉर्ब कर लेगा, मैं फिर आपको दिखाती हूँ जब अब्जॉर्ब कर लेगा। देखिए जो हमने घी डाला था शुद्ध घी, वो सारा इस पेस्ट ने अब्जॉर्ब कर लिया है, अपने आप में समा लिया है, और इसे मुझे सेकते हुए बिल्कुल सिम आंच पर छोटे बर्नर पर 15 मिनट हो गए हैं। अब जो इस हलवे में है हम पानी तो डालेंगे नहीं, दूध डालेंगे, चीनी डालेंगे, सभी चीज़ें सफ़ेद है तो उसका कलर सफ़ेद ना हो। बीच में मैं थोड़ी सी आंच को फुल नहीं करूँगी, मीडियम सा कर दूँगी, लो टू मीडियम, छोटे बर्नर पर भी आप आंच देख ले कितनी दिए कि जैसी लो पे हम भून रहे हैं। तो 15 मिनट मेरे को हो गए हैं और अभी मैं 15 मिनट इसे और भून लूँगी, क्योंकि मेरा मटीरियल कम है। अगर आप ज़्यादा इसे डबल मटीरियल का बनाकर रखेंगे तो पता है क्या, आपको 10 मिनट तो बिल्कुल कम आंच पर, फिर बीच बीच में तेज़ करते हुए, और फिर बाद में 10 मिनट, यानी कि आपको 25-30 मिनट, आधा घंटा तो लगता ही है इसे सेकने में। बस आपको आंच का ध्यान रखना है, कहीं आपका जलना जाए, बिल्कुल नहीं लग रहा देखियो, क्यों नहीं लग रहा, एक तो मैं लगातार चला रही हूँ, दूसरा मैंने इसमें प्रॉपर घी डाला है जितना डालना चाहिए। और ये हलवा आप बना कर रख सकते हैं, फ्रिज में रखना चाहिए तो फ्रिज में बाहर भी रख सकते हैं 10 दिन, और क्योंकि सर्दियों में खाया जाता है, सर्दी रहती है तो बाहर ही इतना टेम्परेचर रहता है, और आप सुबह नाश्ते के रूप में दूध के साथ इसे अपनी पाचन शक्ति के अनुकूल जितना आपको लगे कि आप पचा सकते हैं, दो तीन चम्मच दूध के साथ ले लीजिए। तो अभी मैं भूनूंगी बस और कुछ नहीं करूंगी, जब सीक जाएगा तो मैं आपको इसका दिखा दूंगी कि किस प्रकार का ये सीका है, कलर कैसा है। हमें अपने जो पेस्ट है खसखस और बादाम का, उसे सेकते हुए 35 मिनट हो गया, बिल्कुल सेम आंच पे हमने सेका, देखिए इसका कलर कितना चेंज हो गया है, और जो बिल्कुल भी साइडों पे नहीं लगा है, जो थोड़ा बहुत लगा था पहले पहले वो भी दूध डालने के पश्चात एकदम से कढ़ाई को साफ हो जाएगा। तो ये गर्म करना, मैंने 500 ml दूध रख दिया है, और जब ये गर्म होगा तो गर्म गर्म दूध हम डाल देंगे इसमें, और दूध के सूखने तक इसे बिल्कुल पकाएंगे इस पेस्ट को। तो अब मैं दूध डालने जा रही हूँ, ये बिल्कुल गर्म हो चुका है, जितना बढ़िया आप दूध लेंगे उतना ही बढ़िया इसमें मतलब के हमारा हलवा है बढ़िया बनेगा। धीरे धीरे करके मैं इसमें सारा दूध डाल दूंगी और ये सारा दूध पी भी जाएगा, जैसे हमने पेस्ट था ना कितना हमारा गिल्ला था तो अब वो सूख गया है, सारा दूध उसने अब्सॉर्ब कर लिया है। तो इसी प्रकार से मैंने ये भी मिनकर ही लिया था, तो अब हम दूध के सूखने तक इसे पकाएंगे। और इधर मैंने जो मिश्री, मैं मिश्री डालूंगी चीनी ना डाल के, तो मैंने ना पहले मैं भूल गई थी पेस्ट बना लिया, वो कंटेनर गीला हो गया, तो अब मैंने ना खलबत्ते में थोड़ा कर लिया इसे, और इसके साथ ही इलायची के जो दाने हैं वो भी निकाल कर इसमें ही थोड़े, देखिए बीच में ही मैंने पीस लिए हैं 2-4 इलायची के, इससे कुछ वो भी अच्छी आएगी और जो इसकी गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी, छोटी इलायची के भी बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। अब मैं कुछ नहीं करूँगी, बस इसे हिलाते हुए दूध के सूखने तक इसमें पकाऊँगी। कलर आपने देख लिया था कि ब्राउनिश गोल्डन हो गया है, पूरा ब्राउन नहीं हुआ, थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया है। फिर
देखिए जो हमने दूध डाला था ना वो पकते पकते बिल्कुल इसने पेस्ट ने अब्जॉर्ब कर लिया है, और इसका कलर भी जो पहले मैंने दिखाया था उसके कंपैरेटिवली वाइट हो गया है। क्यों, कारण क्या है कि मैंने जो दूध है वो काफ़ी गाढ़ा लिया था, उच्ची फैट वाला, तो उसका एक तरह से मावा बन गया है, खोआ बन गया है। और कई लोग बीच में तेज़ कर देते हैं, आज को मैंने जब भी इसे भूनते हैं तो मैं कभी भी तेज़ नहीं करती, मैंने कम आंच पे ही भुना है बिल्कुल इसे। तो अब दूध भी सूख गया है, 5-7 मिनट में और इसे पकाऊंगी, फिर हम इसमें मीठा मिलाएंगे। जो मिश्री है वो भी आप कंटेनर में पाउडर बना लें, अगर मिश्री डाल लिया, नहीं चीनी तो एज इट इज ही डल जाएगी। तो मैंने ना पहले मैं भूल गई थी, बादाम और खसखस का उस कंटेनर में पेस्ट बना लिया था तो वो गीला हो गया था, तो इसलिए मैंने खलबट्टे में थोड़ी कर ली मिश्री, और इसी के साथ ही 3 इलायची छोटी इलायची के दाने भी बीच में कर लिए हैं खलबट्टे में। तो थोड़ा और सूखने देंगे क्योंकि चीनी डालने के पश्चात भी ये लूज़ हो जाता है ना, चीनी इसके साथ मिलकर पानी छोड़ेगी, तो फिर हम इसमें जो भी मिश्री या चीनी, मैं तो मिश्री ही प्रेफर करती हूँ डालनी, ताकि बिल्कुल ऑर्गेनिक सेहत के लिए बने। आप कभी भी इसे पानी में मत बनाएं, दूध में ही बनाएं, क्योंकि जितनी भी आयुर्वेदिक दवाएँ हैं या पौष्टिकता के लिए बोला जाता है, उसमें कहा जाता है कि बादाम को दूध के साथ ही लेना चाहिए। जब ढंढाई वगैरह हम रगड़ते हैं तो उसमें और जड़ी बूटियां डली जाती हैं। बस इसमें थोड़ा और ठीक हो जाए फिर मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट स्टेप। देखिए मीठा कम मिलाना है जी, आप देख ले हमारा जो घी छोड़ गया है और इसे इकट्ठा हो गया है बिल्कुल, देखिए इसने कढ़ाई के पैंदे को भी छोड़ दिया। उसी स्टेज पर आपने मिश्री या चीनी को ऐड करना है, जब गोला सा बन गया है। कोई भी हलवा हो कि जो सीख गया है, इसकी पहचान क्या होती है, एक तो फूल जाता है, कलर चेंज हो जाता है, और सारे वातावरण में जिस भी हम चीज़ का बना रहे हैं एक अरोमा सा फैल जाता है, खुशबू फैल जाती है, तो इसमें सारे गुण वही आने दिखाई देने लगे हैं इसका। अब मैं मिश्री मिला रही हूँ क्योंकि मिश्री को ज़्यादा ऑर्गेनिक माना जाता है, चीनी में केमिकल डालकर साफ किया जाता है गन्ने के रस को, तो इसलिए हम मिश्री मिला रहे हैं ताकि पूरी पौष्टिकता का भरपूर फ़ायदा हम उठा सकें। तो अब इसे हम और थोड़ा सा पकाएंगे जिससे कि ये पूरी तरह कढ़ाई के पैंदे को छोड़ देगा और मीठा भी इसमें जजब हो जाएगा। जब भी आप मिश्री मिलाएँ तो पहले उसका मिक्सी में पाउडर बना लें, फिर खसखस और बादाम का पेस्ट बनाए। अब मैं इसे कम आंच पर ही ऐसे हिलाते चलाते भूनूंगी। अगर आप तेज़ में भूनेंगे आपका कलर तो ज़रूर चेंज हो जाएगा ब्राउनिश या, पर वो बात नहीं बनेगी। आप इसे इतने मटेरियल को 35 से 40 मिनट तक भूनिए पहले, फिर दूध ऐड कीजिए। देखिए मीठा डालने के पश्चात, यानी कि मिश्री डालने के पश्चात मेरे को काफ़ी 5-7 मिनट ज़्यादा ही लगे हैं, 8-9 मिनट लग गए हैं इसे, तभी ये घूमने लगा। देखिए कढ़ाई के पैन को इसने बिल्कुल छोड़ दिया है और ऐसे घूम रहा है, और आपको शाइनिंग से पता चल गया कि इसने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो ये हमारा ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने अपने जो मटेरियल है पेस्ट है उसे बिल्कुल अच्छी तरह से भुना है और ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं 1-2 मिनट इसलिए इसे चला रही हूँ क्योंकि जो घी हमने डाला है थोड़ा उससे शाइनिंग आ जाए, वो बाहर आ जाए, क्योंकि फिर अच्छा लगता है। अदरवाइज हमने तो YouTube पे थंबनेल भी दिखाना होता है, नहीं तो अदरवाइज ऐसे भी आप खा सकते हैं। तो आप लोग ही बताएं, कहेंगे कमेंट बॉक्स में कि आपने वो घी तो निकला नहीं जी, इसलिए मैं भून रही हूँ, अदरवाइज अब आप खा सकते हैं, रेडी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो इसका कलर भी चेंज हो गया है, खुशबू भी फैल रही है, और इसने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। ये 3 इंडिकेशन होते हैं जब हम कोई भी हलवा बनाते हैं। बस एक देखिए हमारा हलवा बनकर बिल्कुल रेडी है, और मैंने जहाँ शिफ्ट किया है इस, जहाँ बड़े बर्नर पे पकाया नहीं है, जो जितनी भी सारी प्रोसेसिंग की है मैंने छोटे बर्नर पर कम आंच पर ही की है, ये तो मैं इसमें डालने के लिए रखा था। तो अब मैं सर्विंग बाउल में इसे सर्व कर रही हूँ। अब इसे गार्निश तो क्या करेंगे, बादाम वगैरह से मेरे को तो नहीं लगता कि करना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतना कुछ है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, हम तो ऐसे ही इसे प्रयोग में लेते हैं, और ये इतना हेल्दी है कि आप दूध के साथ सर्दियों में अगर सुबह खाते हैं तो आपको ठंडी से भी बचाएगा, तो नर्वस सिस्टम के लिए जो बोलते हैं स्नायु तंत्र के लिए तो है ही बहुत बढ़िया। अगर न्यूली बॉर्न, न्यूली मदर जो बेबी को बॉर्न करते हैं उन्हें दिया जाता है, तो ये दूध
भी भरपूर मात्रा में इसे उतरता है। बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी गुणकारी ये हलवा है। सर्दियों में इसका प्रयोग जरूर ही करना चाहिए। देखिए हमारे खसखस बादाम का हलवा बनकर बिल्कुल रेडी है। अगर आप गार्निशिंग करना चाहे तो बादाम से इसे कर सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। तो आप भी इस प्रकार से मेरे को फॉलो करते हुए यह हलवा बनाएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती है। पानी बचाएं, पेड़ पौधे लगाएं, और अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, धन्यवाद।